हेलो एवरीवन, तो कैसे हाल चाल है सभी के दोस्तों। बहुत से लोगों की कमेंट्स आ रहे थे, अलग अलग टॉपिक्स पे कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उन सभी का मैं जवाब आपको कल या परसों में लाइव सेशन करके सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या कल या परसों में कौन सा दिन सुटेबल और टाइम बता दीजिएगा, तो उसी टाइम पे आपका लाइव सेशन लेके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में निकली हुई हैं, दो वैकेंसी हैं, सैलरी 32,670 रुपये रहने वाली है। क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस रहने वाला है सिलेक्शन का, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपकी जो पोस्ट हैं वो दो पोस्ट हैं, सैलरी 32,670 रुपये पर मंथ रहने वाली है। आपकी जॉब लोकेशन की बात करें तो आपकी नासिक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू ये जॉब्स निकली हुई हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब है आपकी। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या आपने बीएससी नर्सिंग या कोई भी एएनएम छोड़ के बाकी नर्सिंग का कोई भी आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन एमएनसी यानी महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। अगर आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से करा रखा है तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तब आपको एमएनसी का ही दिखाना पड़ेगा। तब तक आप अपना महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। सैलरी 32,670 बता दिया मैंने। एज की बात करें तो 40 साल तक, 18 से 40 के बीच के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। लास्ट डेट इसकी 20 मार्च है और एडमिट कार्ड के बारे में अभी कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप देख लीजिएगा। लिंक मैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो आप जाके चेक कर लीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे दे रखा है कि जो कैंडिडेट होंगे उनको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उस टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए होंगे और उनकी कुछ अटेस्ट कॉपियाँ भी लगेंगी। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका जो वेबसाइट है उसकी उसमें डाल दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।